morning, my dear children. How are you all? Hope you all are fine. Today, I will tell you about the assignment of teacher description only. Chitra Varnan Barkhar. Barkhar Rut de vich, assi ki karna pasand karde haan? Ya thonu ki karna vadhiya lagda hai? Te tusi aas paas kis cheez da nazara dekhte ho? Ta assi oh cheezan is vich add kar sakde haan? Jis tarah meri man pasand rut Barkhar Rut hai. Ki my favorite jo weather hai thoda उस बारे लिख सकते हैं हम और इस चीज लिख सकते हैं कि बरखा ऋतु में मौसम सुहावना होता है मौसम सुहावना मीन्स के जो वेदर है वो मौसम होता है अति असि और लिख सकते हैं कि हर जगह खुशी की लहर होती है हर जगह खुशी की लहर होती है खुशी की लहर लिख सकते हो कि लोग बच्चे जवान बुढ़े सब खुश होंगे चीजा लिख सकते हैं ते जान लिख सकते हैं कि लोगों में खुशी की लहर होंगी है या हर जगह खुशी की लहर होंगी है क्योंकि बरखा ऋतु में सबनों यह मौसम वधिया लगता है इस नाल गर्मी दूर हो जाती है मौसम सब का फेवरेट होंगे Hope you have written these lines. I will tell you the next line. और ऐसी स्विच जो थानू करना वधिया लगता है उस बारे अस लिख सकते हैं जिस तरह के और ऐसी स्विच लिख सकते हैं मोर बाग विच पहला पाता है मोर अजिहा पंछी है जिसनू सब तो वध खुशी होंदी है उसको बरखा ऋतु का इंतजार करता है खुशी नाल अपने खंभ फैलाता है जिस नाल लोग भी उसको देख के बच्चे उसको देख के बहुत खुश होते हैं और असि इस विच लिख सकते हाँ कि लोगों को की करना वधिया लगता है लोग घर विच खीर पूड़े बनाते हैं लोग घर विच खीर पूड़े बनाते जो थानू खाना वधिया लगता है तुसी ओह भी चीजा इस विच ऐड कर सकते नाउ इस विच जिस तरह के जो थानू मसालेदार चीजा वधिया लगदी हैं तुसी ओह भी ऐड कर सकते हो तो पंजाब विच जो बरखा ऋतु विच मिठा खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो मिठिया चीजा पंजाब विच ज्यादा बनदिया हैं होर असी लिख सकते हैं कि बरखा का पानी फसलों लिए बहुत लाभवंद होता है बरखा का पानी फसलों लिए लाभवंद होता है और असि इस विच लिख सकते हैं कि लोग बरखा ऋतु का खूब आनंद लेंगे लोग बरखा ऋतु का बहुत आनंद लेंगे और अगर थोड़ा इस बारे बरखा ऋतु में तुम अपने आस पास नजारा देखते हो तुम वो भी ऐड कर सकते हो इस तरह से इस विच कुछ भी लिख सकते हो जो बरखा ऋतु में सानू करना वधिया लगता है